सुबह का वक्त आज दिन शनिवार, आज की जो बारिश हुई है सुबह के वक्त, वाकई माहौल एकदम ठंडा हो गया है। झमाझम बारिश ने खासतौर पे सड़कों को भीगा तो कर दिया, लेकिन मन को, शरीर को भी ताजगी कर दिया है। पेड़ों की हरियाली, सड़कों पे लगा पानी, ये आज के बारिश का नज़ारा है। सुबह के समय जब बारिश होती है तो उस बारिश के बीच, रिमझिम बारिश के बीच जब मॉर्निंग वॉक यानी लोग टहलते हैं तो हवाएं जो चलती हैं, सांस लेने में ज़बरदस्त मज़ा आता है। हम जिलाधिकारी आवास की तरफ हैं दोस्तों। विकास 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 की बात जबरदस्त तरीके से होती है, तो बलिया में विकास हो, लेकिन जिला अधिकारी आवास की तरफ जो ये मार्ग जा रहा है, टूटता है, बनता है, बिगड़ता है, सही होता है, ये आए दिन होता रहता है। एक ऐसा गड्ढा है जो विगत 4-5 महीने से जल निगम कार्यालय के सामने खोद कर पड़ा हुआ है। इसमें से जो पानी निकलता है वो पानी जो है सड़क से होकर कटहल नाले की तरफ जाता है। बात आती है कि पानी की बर्बादी न करें, लाखों रुपए विज्ञापन में भी खर्च किए जाते हैं और कहे जाते हैं कि पानी की बर्बादी न करें। आप देख सकते हैं, मैंने पूछा बगल अगल बगल लोगों से कि इस गड्ढे की गहराई कितनी होगी, तो लोगों ने कहा जो इसका वाटर लीकेज है उसका इस सड़क से 5 फीट नीचे है। तो ये पत्ते ऊपर लगे हुए हैं, पता नहीं चलेगा। रात के अंधेरे में यदि कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग इसमें चला जाए तो यहाँ कोई आस पास ध्यान देने वाला भी नहीं कि उसको बाहर निकाले, आगे क्या होगा ईश्वर जाने। सबसे मजे की बात है कि जिला अधिकारी का गाड़ी भी इसी रास्ते से जाता है, लेकिन उनकी नज़रें जो है इधर कभी नहीं होती। समस्या कैसे समाधान हो उसका कोई बहस नहीं होता। लाल झंडे लगाए गए हैं, उससे संकेत दिए जा रहे हैं यहाँ खतरा है, इधर मत आएं। आखिर क्यों? सड़क वीआईपी है, वीआईपी लोग रहते हैं, इसके बाद भी ये समस्या। पानी की बर्बादी और सड़कों की बदहाली,